टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। भारत में खाद्य तेल उद्योग के शीर्ष संगठन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी कि COOIT के अनुसार वर्ष 2021-22 की फसल के रबी सीजन में देश का सरसों उत्पादन बढ़कर 100 से 110 लाख टन हो जाएगा। खास बात यह है कि किसानों द्वारा अधिक सरसों की बुआई पिछले साल से लगभग 30% ज्यादा है और पिछले रबी सीजन में किसानों को उनकी सरसों की फसल के अच्छे दाम मिले थे। ऐसे में सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह साल मोटा मुनाफा लेकर आ सकता है। दरअसल सरसों रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक है। इस फसल का वर्ष 2020-21 जुलाई जून में उत्पादन 85 लाख टन रहा था, लेकिन इस साल यह और भी ज्यादा रहने वाला है। सरसों उत्पादन संबंधित अनुमानों के बारे में COIT के अध्यक्ष बाबूलाल दाता कहते हैं कि इस वर्ष राजस्थान सहित सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरसों की बुआई में काफी वृद्धि हुई है, लिहाजा हमारा अनुमान है कि 2021-22 सीजन में उत्पादन बढ़कर 100 से 110 लाख टन हो सकता है। भारत वनस्पति तेलों का विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। भारत और एशियाई देशों में सरसों का उपयोग भारतीय खाना पकाने में लोकप्रिय रूप से किया जाता है। भारत सरकार के आंकड़े भी कहते हैं कि चालू रबी बुआई के मौसम में 10 दिसंबर 2021 तक रेप सीड और सरसों के बीज का रकबा 10 लाख हेक्टेयर 81 का रकबा लाख भारत सरकार के आंकड़े भी कहते हैं कि चालू रबी बुआई के मौसम में 10 दिसंबर 2021 तक रेप सीड और सरसों के बीज का रकबा 81.66 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 65.97 लाख हेक्टेयर था, जो कि 15.69% अधिक ही है। उल्लेखनीय है कि किसानों को पिछले रबी सीजन में उनकी सरसों की फसल के अच्छे दाम मिले थे और यही वजह है कि मौजूदा रबी सीजन में उन्होंने सरसों का अधिक रकबा डाला है। वहीं फसल के लिए मौसम की स्थिति भी अब तक अनुकूल ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।